अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर न्यू क्लास, क्लास 5। दिस इज़ योर इंग्लिश बुक, ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5। योर फर्स्ट पोएम इज़ स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। इसका मतलब है एक बर्फानी शाम में जंगलों के दरमियान रुकना। ठीक, सबसे पहले हम वर्ड्स टू नो करेंगे। डार्केस्ट इवनिंग, इसका मतलब है एक अंधेरी शाम। Winter evenings are much darker than summer evenings in places closer to the North Pole. North Pole के दरमियान यानी North Pole के करीब में जो जगहें हैं वहाँ पर winter evening जो होती है यानी सर्दियों की जो शाम होती है वो गर्मियों की शाम के मुकाबले में ज़्यादा darker होती है यानी ज़्यादा अंधेरी वाली होती हैं। Downy, light down the soft under feathers of young bird. यानी जो छोटे परिंदे होते हैं उनके परिंदों के नीचे रहना उसको बोलते हैं डाउनी। फ्लेक, स्मॉल पीसेस ऑफ स्नो, फ्लेक यानी के बर्फ़ के गोले यानी छोटे छोटे बर्फ़ के गोले उसको बोलते हैं हम फ्लेक। हॉर्नेस, द लेदर स्ट्रैप्स एंड बेल्ट यूज टू कंट्रोल अ हॉर्स यानी चमड़े का कोई पट्टा या कोई बेल्ट जो कि घोड़े को लगाम देने के लिए यूज़ किया जाता है उससे हम कहते हैं हॉर्नेस। ठीक, अब हम इस पर आते हैं पोयम पे। Whose words these are? I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his wood fill up with snow. ठीक, इसका मतलब क्या है? Whose words these are? I think I know. यानी ये जंगलात किसके हैं? मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। His house is in the village, though. यानी हो सकता है इसका घर इसी गांव में हो। He will not see me stopping here. वो मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देख सकता। To watch his woods fill up with snow. क्योंकि देख रहा होगा कि इसकी लकड़ियाँ बर्फ़ में ढकी हुई हैं। My little horse must think it cure to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. ठीक, अब इसका मैं मतलब आपको बता दूँ। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्योर यानी कि मेरा छोटा सा घोड़ा समझ रहा है कि ये कोई अजीब चीज़ है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर यानी कि वहाँ पर कोई करीबी फार्म हाउस भी नहीं है जहाँ पर रुका जा सकता हो। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक यानी कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई करीबी फार्म हाउस मतलब कि यहाँ पर कोई भी ऐसा करीबी फार्म हाउस नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक जो कि जंगलात और फ्रोजन लेक यानी नदी के दरमियान में हो। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर साल की सबसे अंधेरी रात है। ही गिव्स हिज हॉर्नेस बेल्स अ शेक उसने अपनी घंटी को हिलाते हुए टू आस्क इफ देयर पहले मैं पूरा आप लोगों को स्टैंजा पढ़ के बता देती हूँ फिर उसकी मीनिंग बताऊँगी। ही गिव्स हिज हॉर्नेस बेल्स अ शेक To ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. ठीक, he gives his hornet's bells a shake. उसने अपनी घंटी को हिलाते हुए to ask if there is some mistake. पूछा कि यहाँ कोई गलती है. The only other sounds the sweep और दूसरी आवाज़ की हरकत किसकी थी? Of easy wind and downy flake. यानी के हल्की हवा की और रुई के नरम बालों की जो दूसरी आवाज़ थी वह हल्की हवा की थी और रुई के नरम बालों की थी। फोर्थ स्टैंजा पे आते हैं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसज टू कीप एंड मिल्स टू गो बिफोर आई स्लिप एंड मिल्स टू गो बिफोर आई स्लिप वो कह रहे हैं कि जंगलात जो हैं वो क्या हैं बहुत प्यारे हैं डार्क हैं यानी अंधेरी अंधेरी की तरह हैं और गहरे हैं। बट आई हैव प्रोमिसज टू कीप लेकिन मुझे वादा निभाना है बहुत कदम चलना है यानी मीलों चलना है सोने से पहले एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लिप और सोने से पहले मीलों का सफ़र करना है। ये पोएम किसने लिखी है? इस पोएम को लिखने वाले पोइट का नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता देती हूँ पोइट का। अबाउट द पोइट, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट 1874 में पैदा हुए थे और 1963 में उनका इंतकाल हो गया था। वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को
और वो कहाँ पैदा हुए थे? फ्रांसिस्को में पैदा हुए थे. ही वॉज अ पोइट, वो शायर थे, अ टीचर, एक उस्ताद थे, एंड ऑल्सो अ फार्मर, और एक किसान थे. ही वॉन टू पुलिजर प्राइजेस फॉर हिज पोइट्री, और उन्होंने अपनी शायरी पर दो पुलिजर प्राइजेस भी हासिल किए थे. अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को काम कैसे करना है मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ. सबसे पहले आप लोगों को बहुत अच्छा सा टाइटल बनाएंगे स्टेंसिल से. टाइटल के लिए आप लोग सिर्फ दो ही कलर के कट मार्कर यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक या ब्लू. स्टेंसिल आप लोगों को मीडियम साइज़ का लेना है. सबसे पहले आप लोग फर्स्ट टर्म का टाइटल बनाएंगे, उसके बाद आप लोग इस पोयम के नाम का टाइटल बनाएंगे, स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग. ठीक, दोनों का टाइटल स्टेंसिल से बनेगा. आप लोग चाहें तो अलग अलग पेज पे बना सकते हैं, या पेज को हाफ करके दोनों टाइटल उस पर बना सकते हैं. ठीक, उसके बाद आप लोगों को ये पोयम कॉपी कॉपी करनी है. ठीक, बहुत अच्छी साफ़ सुथरी प्यारी सी कॉपी करनी है ये, और आप लोग इसको बहुत अच्छे से कलरिंग करके मतलब सजा भी सकते हैं, कलर से, मार्कर से बहुत अच्छा सा आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं साइड से. इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, खूबसूरत सी पोयम लिखने के बाद आप लोग अबाउट द पोइट का इंट्रोडक्शन लिखेंगे. ठीक, पोइट का इंट्रोडक्शन लिखना है आप लोगों को, यहाँ पे लिखा है ना अबाउट द पोइट. ठीक, यानी पोइट के बारे में आप लोग लिखेंगे. बुक में यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों को पेज नंबर 12 पे. ठीक, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, थर्ड स्टैंजा की पैराफ्रेजिंग करनी है. स्टैंजा मैंने आप लोगों को समझा दी है, आप लोगों को थर्ड स्टैंजा की पैराफ्रेजिंग करनी है. लेकिन पैराफ्रेजिंग करने से पहले आप लोगों को वर्ड्स टू नो का पता होना चाहिए. ठीक, तो आप लोग जब पोएम लिखने के बाद अबाउट द पोइट लिख देंगे, उसके बाद आप लोग वर्ड्स टू नो लिखेंगे. ये चार वर्ड्स दिए हैं आप लोगों को, आप लोग ये लिखेंगे. उसके बाद आप लोग स्टैंजा की पैराफ्रेजिंग करेंगे. ठीक, पैराफ्रेजिंग करने के बाद आप लोग इस पोयम में से कोई भी सिक्स डिफ़िकल्ट वर्ड जो आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, वो डिफ़िकल्ट वर्ड की हेडिंग डाल के और वो सिक्स डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी में और उसे याद कर लेंगे. और वो जो वर्ड्स आप लोगों ने डिफ़िकल्ट अपनी कॉपी में लिखे होंगे, वो डिफ़िकल्ट वर्ड आप लोग जो वर्ड्स हैं वो आप लोग क्या करेंगे, किसी एक्स्ट्रा कॉपी में भी उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसे याद करके फिर लिखेंगे बगैर देखे. ऐसे आप लोगों को डिफ़िकल्ट वर्ड जो आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और जब बार बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और उसे याद करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.